अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरा सवाल है कि मेरे बच्चे का अकीका मेरे वालिद ने किए हैं, और मेरे वालिद वो अपने पैसा से किए हैं, मैं उसमें पैसा नहीं दूंगी, मैं या मेरे हस्बैंड, वो अपने खुशी से किए हैं, लेकिन मेरे वालिद ने अपने बेटे के शादी में किए हैं, तो क्या ये हो सकता है शेख? और मैं बाल का जो पैसा दिलाता है वो अभी हम नहीं दिए, तीन ठीक बच्चे का अकीका मेरे वालिद ने किए हैं। जी, बहन का सवाल ये है कि वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे का अकीका मेरे वालिद ने किया है, यानी बच्चे के नाना ने, तो क्या वो अकीका कर सकते हैं? ये सवाल है उनका। तो पहली बात तो ये कि अकीका करने का हक बच्चे के वालिद का होता है, बच्चे के वालिद का। अकीके का जो मुखातब है, अकीके का जो हुक्म है शरीयत में, उसका मुखातब बच्चे का वालिद है। तो बच्चे के वालिद के लिए अकीका करना ये सुन्नत है। अब ये हक उसी का है, अगर वो चाहे तो ये हक किसी और को भी दे सकता है। जैसे उसने बच्चे के नाना ने अकीका करना चाहा, बच्चे के वालिद को कोई एतराज नहीं है, तो बच्चे का नाना अकीका कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह तआला अनहा के बच्चों हसन और हुसैन का अकीका किया, तो वो भी तो नाना थे। तो अगर बच्चे के वालिद को कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो बच्चे का नाना अकीका कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे का वालिद मना करे कि नहीं, ये मेरा हक है, मैं ही करूंगा, तब वो नहीं कर सकता है। वाजे जी तो एक तो जी वो मेरे भाई के, यानी कि वो अपने लड़की के शादी में किया है, यानी कि मेरे भाई के शादी में हुई है अकीका, तो शादी में अकीका सही है इसका? शादी के अंदर यानी वलीमा में, जी, सर वलीमा में किया है। वलीमा के अंदर अकीका करना दुरुस्त है। उसकी वजह यह है जी कि एक कायदा है, मैं आपको और आसान उसूल में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, दो इबादतें अगर अगर दो इबादतें इकट्ठा हो जाएं और दोनों इबादतें फी नफ्सी ही मतलूब ना हो, तो एक इबादत दूसरी इबादत के अंदर दाखिल हो सकती है। जैसे वलीमा एक इबादत है और एक इबादत है अकीका। अब वलीमे के अंदर जानवर जबा करना ये जरूरी नहीं होता है, वलीमा बगैर गोश्त के भी किया जा सकता है। तो गोया कि जानवर जबा करना वलीमा में फी नफ्सी ही मकसूद नहीं है, और अकीका के अंदर जानवर जबा करना ये मकसूद है। तो अगर कोई इंसान अकीके का जानवर जबा करता है और उसी से वलीमा कर देता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन यहां पर एक और बात मैं जिक्र करूंगा, वो ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने यहां, जैसे हमने अभी ये फतवा दिया, ये बताया कि ये जायज है, ठीक है। जी अब इसका जो है, इस फतवे का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? इसका गलत इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है कि मौलाना साहब ने फतवा दिया है कि अकीका और वलीमा इकट्ठा किया जा सकता है, तो अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा करते हैं कि इसका अकीका रोक के रखते हैं। जी अगले साल जो है भाई की शादी है, अगले साल जब भाई की शादी करेंगे तो उसमें 10-12 बकरे जबा होंगे, उसी में इसको भी सलता देंगे, है ना? जी तो ये खिलाफे सुन्नत है। सुन्नत ये है कि अकीके की इस्तेआत जब आपकी है तो अकीका उसके टाइम पर करो। हाँ, किसी मजबूरी में आप नहीं कर सके थे, बाद में वलीमे का मौका आया तो ठीक है, उसमें कर दीजिए। लेकिन बाकायदा प्लानिंग के साथ लोग अकीका रोक के रखते हैं कि जब वो शादी होगी फलां की, तो उसी में अकीका भी कर देंगे, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा है कि जायज है। तो मौलाना साहब ये बता रहे हैं कि अगर पहले किसी वजह से नहीं हुआ है तो आप कर दीजिए। मौलाना साहब ये नहीं बता रहे हैं कि अकीके को आप डिले करके रखो, जब कोई शादी का मौका आएगा तो उसी में दोनों काम निपटा देना, ऐसा नहीं है।